पहला केस जो मेरे पास आया था वो लड़का आफ्ताब आलम अंसारी कलकत्ता से पकड़ कर लाया गया था लखनऊ कोल्ड ब्लास्ट में, और उसने जो डॉक्यूमेंट्स मुझे दिए जिनसे ये साबित हो रहा था कि वो 23 नवंबर को कलकत्ता में ही था, कलकत्ता से बाहर नहीं गया था, और उसका नाम जो एसटीएफ यूपी की एसटीएफ ने बताया था राजू उर्फ मुख्तार, वो भी नहीं पाया गया। इसलिए जैसे भी मेरे पास ये मुकदमा आया मैंने हाँ कर लिया, इसके बावजूद कि वकीलों ने मना कर रखा था और मैं करूँगा तो नतीजा इसका बुरा हो सकता है, मैं मारा भी जाऊँ पीटा भी जाऊँ और जो भी कुछ हो सकता है किया जाए, मेरे ख़िलाफ़ मुकदमे भी कायम कर दिए जाएं। यहाँ खालिद मुजाहिद के केस में मैं शुरू से आया, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जब ये मामला चलता था तब भी मैं ही आया, लेकिन यहाँ एपियर नहीं होने देते थे लोग, और जब भी आया मुझे मेरी घेराबंदी करने की कोशिश की, और मुझे अगर एप्लीकेशन भी देना होता था तो एप्लीकेशन दे करके मैं चुपचाप निकल जाता था, और फिर बाद में अखबारों में छपा जाता था कि अर्जी देकर खिसक लिए आतंकियों के वकील। तो ये माहौल था उन दिनों। और फिर उसके बाद मार्च में एक बार 250-300 वकीलों ने सेशन कोर्ट में मुझे घेर लिया, और बड़ी मुश्किल से फिर पुलिस वालों ने किसी तरह से मुझे घेरे में ले करके अपने, और मुलजिमों की गाड़ी में उन्हीं के साथ बिठा करके कोर्ट से बाहर भेजा। जब हमारे मौकिलों को हथकड़ी में कोर्ट में पेश किया गया तो हमने जज से कहा था कि माननीय उच्चतम न्यायालय का ये निर्देश है कि अभियुक्तों को न्यायालय में हथकड़ी में न पेश किया जाए, और अगर ऐसा किया जाता है तो माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना है। इस बात पर मेरी जज साहब ने ये कहकर के टाल दिया कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, बल्कि 12 अगस्त को जो घटना हुई थी कोर्ट रूम में, पिटाई मेरी हुई और उल्टा मेरे खिलाफ़ देशद्रोह का एक मुकदमा कायम कर दिया गया कि मैं कोर्ट रूम से बाहर, हालांकि घटना कोर्ट रूम की थी लेकिन कोर्ट रूम से बाहर बरामदे में अपने मुवक्किलों के साथ खड़ा था, अपने जूनियर के साथ खड़ा था, और जब ये मेरे मुवक्किल को पुलिस लेकर के आई है तो मेरे साथ खड़े एक वकील एम फरीदी साहब ने किसी एक मुलजिम के कान में जाकर के कुछ कहा, और फिर ये मुलजिमान पाकिस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। फिर उनको मैं भी उकसाता रहा। ये झूठा एक केस हमारे खिलाफ दर्ज करा दिया गया। मेरे ऊपर चार्ज 121, 124, 115, 120 डी आईपीसी के। देखिए इस केस में जो मुख्य अभियुक्त जिनको बनाया गया था, हमारे मुवक्किल चार थे, मोहम्मद अली अकबर हुसैन, शेख मुख्तार हुसैन, अजीज़ुर रहमान और नौशाद, ये चार अभियुक्त थे मुख्य। इनका मुकदमा कमिट हुआ, उसका ट्रायल हुआ और ये लोग बरी किए जा चुके हैं। मेरा और दूसरे एडवोकेट एम फरीदी का मुकदमा अभी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पड़ा हुआ है, ना तो पुलिस ने हमें गिरफ्तार किया है और ना ही हम उसमें हाजिर होकर के अपनी ज़मानत कराया हमने, और उसको आगे नहीं बढ़ाया।
देखिए लोकतंत्र में तो देशद्रोह नाम की कोई चीज़ है रही नहीं जाती है। ये कानून अंग्रेज़ों ने अपने शासन को बचाए रखने के लिए बनाया था, और जब लोकतंत्र आ गया तो लोकतंत्र में तो सरकार, जब तक हम ये ख़त्म नहीं करेंगे दूसरी सरकार नहीं बन सकती है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही हो, अलोकतांत्रिक तरीके से ना हो, ये तो ठीक है, लेकिन शासन को तो बदल नहीं रहता। आज किसी का शासन है, कल किसी का शासन होगा, परसों किसी का शासन होगा, नरसों किसी का शासन होगा। लोकतंत्र में तो शासन बदलता रहेगा और शासन व्यवस्था भी बदलने की कोशिश होती है। जैसे कि मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आज पूंजी को कुछ हाथों में समेट दिया गया है, कल हो सकता है कि पूंजी जनसाधारण को भी उसमें हिस्सेदार बनाया जाए। तो आज जो व्यवस्था चल रही है पूंजीवादी व्यवस्था, इस पूंजीवादी व्यवस्था के पहरेदार ही अभी तक सरकार बना रहे हैं, और ये पहरेदारी ख़त्म होनी चाहिए। ये ख़त्म उसी वक्त होगा जब जनसाधारण अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेगा, और पूंजीवादी व्यवस्था को मदद करने वालों को नकार देगा।